आज के बाद हम हमारे सेंटर पे कभी नहीं लौटेंगे। अरे ओ ले फिर से डर दिया। आलू की सब्जी तो रात की है, बनी थोड़ी है। सांसद हमारी भाषण देते हुए, स्वागत है आपका मेरे एक और नए शानदार ब्लॉग में। मेरे सारे ब्लॉग शानदार होते हैं वैसे तो चलो अभी भाई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 11 बजे। मैं अभी नहाया नहीं हूँ, ठीक है अभी जाऊँगा नहाने, लेकिन पहले अच्छा देखो बेइज्जती मारी कह रही कि वैसे भी कब नहाता है, वैसे अभी मुझे लग रही है भूख, पहले खाना खा लेता हूँ उसके बाद जाऊंगा नहाने। इस तरीके से कैसे खा रही हो? दाल रोटी आलू की सब्जी चावल। मैंने पूछा इस तरीके से कैसे खा रही हो, तुम बता रही हो क्या बना है? मम्मी की अलग ही बातें रहती है। चलो अब बताओ क्या बना? दाल काली पीली काली पीली दाल बोलते हैं इसको। काली पीली कुछ भी, काली पीली दाल है, चने और उड़द की मिला के। अच्छा मिक्स दाल काली पीली बोलते हैं इसको। और दाल के बाद? आलू की सब्जी तो रात की है, बनी थोड़ी है। रात वाली तो बोलना है भाई, जो सच है वो सच बोलना है। पर क्या, ओ भाई कुकर लग गया मेरे पैर में। और रोटी और चावल। अच्छा रोटी है चावल, रोटी रखी है चावल ये रखी है। तो चलो फटाफट से खाते हैं, फिनिश करते हैं, उसके बाद जाएंगे नहाने। तो चलो पहले फटाफट से खा लेते हैं। 2000 years later. So guys, खाना पीना तो खा लिया मस्त एकदम बैठ के, बाकी अभी मैं बैठ के धीरू भाई की वीडियो देख रहा हूँ स्कैरी वाली। तो चलो फटाफट से जाके नहा के आता हूँ। मैं अभी नहाने जा ही रहा था, इतने में मेरे घर पे आ गया पीयूष, आके मैं बगल में लेट गया और मैं इसकी दाढ़ी चुभा रहा, क्या दाढ़ी चुभ रही है। मैंने नहीं, मैंने तो बाल काट लिया। तो कह रहा काट लिए, यहाँ के भी काट लिए। बगलो कह रहे यहाँ की भी दाढ़ी काट ली। अब यार यहाँ की कोई दाढ़ी होती है। मैं नहाने जा रहा था उतने में ही आ गया। तो चलो अभी नहा के आते हैं। सो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और मैं धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज मम्मी उधर सो रही हैं ड्यूटी से आके, ठीक है। तो अभी हम घर में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें आराम करने देते हैं, हम चलते हैं बाहर, ठीक है। घर से तो बाहर आ गया मैं, पीयूष येरा गली में और कोई है नहीं, पीयूष ही आ गया, आयुष ही आ गया अपने घर से। चलो अभी हाँ बाहर से, ये इसका घर नहीं है, इसका तो ये वाला घर है, तो मैंने गलती से बोल दिया था। अभी हम जाएंगे अपने पास वाली एमसीडी वाले पार्क में, तो चलो वहीं चल के मिलते हैं अभी। तो भाई मैं पार्क में तो आ गया, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पे आके देखा, ये पार्क नहीं है बेसिकली, यहाँ पे ना एक मैदान सा है और इसी पार्क के पीछे जस्ट मेरा स्कूल है। तो मेन बात यह है यहाँ पे ना लोग शादियाँ वादियाँ करवाते रहते हैं, ठीक है। जिस दिन नहीं होती वहाँ सारे लोग आके यहाँ पे बैठ के मौज मस्ती काटते रहते हैं अपनी, ठीक है। यहाँ पे कबड्डी वगैरह का मैच भी होता रहता है, मैं दिखा देता हूँ। इधर कबड्डी वगैरह का मैच भी हो जाता है, बाकी इधर अभी शादी वादी की किसी चीज़ की या फिर भंडारे वगैरह की तैयारी चल रही है। तो बस यही है, हम यहाँ पे घूमने आ जाते हैं कभी कभी। ये पता नहीं क्या है, ये टूटा फूटा मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ। बाकी इसके जस्ट पीछे डिपो भी है, बस डिपो। तो बस हम यहाँ पे थोड़ी बहुत देर मौज मस्ती करेंगे। बाकी ये देखो, ये जस्ट मेरा स्कूल है ये वाला, जिसमें मैं अभी तक पढ़ता आया हूँ, बस 12वीं का रिजल्ट आना। तो चलो अभी थोड़ी बहुत देर बैठते हैं, पीयूष वगैरह भी आ रहे हैं तो उनके साथ थोड़ी बहुत देर मस्ती करेंगे, उसके बाद अपने घर चलेंगे। बाकी अभी मेरे पास उधर क्या कहते हैं, हाँ मेरे कंप्यूटर सेंटर से कॉल आया कि चाहो तो तुम अपना डिप्लोमा भी ले जा सकते हो। बाकी सामने में भीड़ दिखा रहा था ना, उधर हमारे इधर की सांसद आ रखी है जो इसी साल बनी है, दिखाता हूँ आपको। हमारी सांसद भाषण देते हुए, तो भाई वो हमारे यहाँ की सांसद बनी है अभी नहीं, तो वही आई थी बातचीत करने के लिए। उनके परिवार में शायद से किसी का जन्मदिन है तो वो इधर ही मनाने के लिए आई हैं, ठीक है। बाकी कह रही थी कि हर महीने हम यहाँ पे कोई ना कोई जन्मदिन वगैरह मनाते रहेंगे, ठीक है। तो मैं बस यही कह रहा था, कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना तो हमें बाहर आना चाहिए। देखो ये इधर लड़ाई करे जा रहे हैं, मेरी मैं जो बात कर रहा था वो नहीं कहने दी। मैं ये कह रहा था बस कि हम लोगों को ना यहाँ पे आते रहना चाहिए, ठीक है। हम कहीं बाहर निकलेंगे हमें कोई चीज़ दिखती है, जैसे अभी मुझे यहाँ की सांसद दिख गई, मैंने इनसे अभी तक मिला नहीं था लेकिन अभी देख लिया, वो तो चली गई, ठीक है। बाकी वो ना हमारे इधर की सांसद हैं, दिल्ली में MCD की इलेक्शन होता है ना, तो भाई MCD की प्रत्याशी हैं वो। तो अभी मुझे ना एक लंच पड़ा मिला जो कि मैंने मेरे कवर के पीछे लगा लिया, नया था एकदम, उन्हीं में से शायद किसी का फोन का निकला होगा, नया था एकदम नया था, कोई कचरा वचरा कुछ नहीं था उसमें। बाकी पन्नी भी चिपकी पड़ी थी उस पर, जैसे अनबॉक्सिंग नहीं करते लेंस की वैसे, और देखने में कूल सा लग रहा है, मैं आपको घर चल के दिखाऊंगा। जो हमें उसके लिए आया था रिपोर्ट कार्ड ले जाने के लिए, तो मैं अभी साइक को कॉल करता हूँ और फिर उसके बाद हम निकलते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं साइक को कॉल करता हूँ और उसे फटाफट से बोलता हूँ कि चल चलते हैं देवली रोड पे, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है। तो जाके अपना डिप्लोमा लेके आते हैं, चलो फिर चलते हैं यहाँ से। शायक को कॉल कर दिया, अभी वो आएगा, ठीक है। वो अपने घर से निकल जाएगा, उसका घर थोड़ा दूर है, वो थोड़ा पास में पहुंच जाएगा, फिर मैं यहाँ से निकलूंगा, फिर हम दोनों जाएंगे डिप्लोमा लेने के लिए। ओए वीर पिट कैसे गया तू? तो पिट गया तू, ओ ले ले फिर मार दिया। ओए वीर मत कर, पीयूष छोटा देर से देखो देखो लड़ाई करने लग रहे फिर से। अरे 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 ओ ले फिर से डर दिया, मार मार पीयूष, पत्थर उठा के मार।
ये तो कुछ ज्यादा ही हो गई। अरे अरे अब पीयूष मारेगा भाई, डंडा लेके मारेगा। भगा दिया पूरी पार्क में, भगा भगा के मार रहा है। बच्चों की छुट्टी भी हो गई इतने में। नीचे उतर जा, नीचे उतर जा जल्दी, उतर जल्दी नीचे उतर। सायक का कॉल आया, वो कह रहा है कि आ जाओ, तो चलो चलते हैं। वो अपने घर से निकल चुका है, मैं भी निकलता हूँ। सायक तो आ गया साथ में, चलो अब बस में ट्यूशन के पास में भी आ गया। अंदर जाके अब सीधा ले ही लेते हैं उनसे डिप्लोमा। पूरा एक साल का कोर्स हमारा कंप्यूटर का खत्म आज के बाद से। ट्यूशन है हमारी, अब इसके ऊपर जाके ले लेते हैं भैया से बातचीत करके अपना डिप्लोमा। तो आशीष भैया अभी हमारा डिप्लोमा निकाल रहे हैं, मुझे तो मिल गया। बाकी ये हमारा कंप्यूटर सेंटर जिसको आज के बाद हम कभी नहीं मिलने वाले हैं, और साइको भी मिल ही गया डिप्लोमा उसका, और मेरा भी मिल गया। चलो चलते हैं। अब डिप्लोमा ले लिया हमने, ये रहा हमारा डिप्लोमा साइको वाला, ये रहा। सर कह रहे थे लास्ट दिन में, कह रहे ये हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम दोनों से ही कह रहे जॉब पे भेजूं, हमने कहा भेज दो। तो कह रहे चलो बात करते जॉब की भी, तो हो सकता है सर हमारी जॉब भी लगवा दे। बाकी चलो अभी फटाफट से घर पे चलते हैं। तो गाइस घर पे तो आ गए। मम्मी मम्मी डिप्लोमा मिल गया, डिप्लोमा मिल गया। ये देखो कंप्यूटर का एक साल का। सर आज के टाइम कह रहे जॉब लगवाऊं। हमने कहा लगवा दूँ कहाँ पे? नेहरू प्लेस के थोड़ा आगे, नेहरू प्लेस। हमने कहा कर लेंगे। ये चीज है, ये चीज मैंने लगवाई 20 रुपए में। मम्मी देखो ये चीज मैंने 20 रुपए में लगवाई कैमरे के पास। क्या देख लो शील्ड उसकी। मजाक कर रहा हूँ मैं, पड़ी मिली मुझे ये, मैंने फिर उससे उठा के लगा लिया। पीयूष ने उठा के दी मुझे, 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। मैं बताता ही नहीं, फिर मेरे को ऐसे ही पड़ी मिल गई है तो लगा ली। मैच कर रही थी ना इसमें, इसलिए लगा ली मैंने। तो अभी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत धूप हो रही है, बाहर जाके करेंगे ही क्या। तो अभी हम फर्जी देखने लग रहे हैं, ठीक है। मैंने देखी नहीं थी बहुत टाइम से फर्जी, तो आज देखेंगे बैठ के। आज तो मैं फर्जी पूरी देखूंगा और उसके बाद आपको रिव्यू दूंगा। और मम्मी जा रही है ड्यूटी। बाय गाइस, बाय, जाओ निकलो यहाँ से। तो मम्मी तो जा रही है ड्यूटी, बाकी मैं पूरी वेब सीरीज देखूंगा। तो भाई मैंने 4 ही एपिसोड देखे, क्योंकि मेरे एप्पल वाले फोन से टीवी में कास्ट होकर चलता नहीं है, ठीक है। कास्ट हो जाता है लेकिन डाउनलोड नहीं होता किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, इसमें वेब सीरीज डाउनलोड नहीं हुई, ठीक है। कास्ट तो हो जाएगी। बाकी सायक जा रहा है अभी अपने घर पे, ये अपने घर जाके देखेगा पूरी वेब सीरीज, और मैं किसी दूसरे दिन देख लूंगा, कल देख लूंगा, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया है। तो गाइस अभी मैं फिलहाल मेरे लिए खाना लेके आ चुका हूँ। ये रखी है अंडे की भुजिया, बनाई थी मम्मी ने, अंडे की भुजिया बना के गई थी। दाल की भी कुछ कह रही थी यार, दाल भी देखूंगा अभी मैं लेके आऊंगा। और ये रही अपनी रोटियां जिन पर मैं फटाफट से घी लगाऊंगा। फटाफट से रोटी पे घी लगाते, दाल लेके आते, मस्त बैठ के एकदम खाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो गाइस खाना पीना तो खा लिया, मस्त एकदम पेट भर गया। बाकी ये भी आ रखा है मेरे घर पे। तो भाई आज मैंने जो भी किया आपने देखा ही होगा, बढ़िया लगा होगा। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो कर देना। हाँ, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग, बाय।